टेंशन चासी संगठन जिद्र अटल रही बेले आसंता 29 तारीख पर्यंत दिल्ली चलो अभियान को सामयिक बंद रखा जाई। हरियाणा सीमारे पुलिस और चासी को मध्ये किसी समय पर उत्तेजना परिस्थिति सृष्टि होइथिला। पुलिस कार्यानुष्ठान अनेक चासी आहत होइथिबा चासी संगठन अभियोग करिछन्ति। परिस्थिति को नजर रखी आसंता 29 पर्यंत दिल्ली चलो अभियान को स्थगित रखा जाई। पुलिस कार्यानुष्ठान को निंदा करिछि किसान मजदूर मोर्चा। दिल्ली पंजाब हरियाणा सीमारे चासी माने धारणा रे बसी रहिबे बोली किसान मजदूर मोर्चा पक्षरु कहा जाइछि। आज सारा देश में संध्या कैंडल मार्च करेंगे चासी संगठन। 27 और 28 तारीख में बड़ बैठक अच्छी आगामी रणनीति नहीं बैठक में आलोचना हो। 29 तारीख में आंदोलन को नहीं सूचना देते चासी संगठन और पुलिस गुड़ में प्राण हर शुभकरण सिंह को बाद दे आंदोलन स्थल में वर्तमान सुधा 4 जन चाषी मृत्यु होगा। पूर्व भाई पर क्षतिपूरण देवा चाषी संगठन दावी करते एमएसपी उपर लीगल ग्यारंटी सह विद्युत बिल और ऋण छाड़ एमती 10 दफा दावी नहीं चाषी मैंने दिल्ली अभिमुखे बाहरी किंतु सीमांत में विपज्जनक बैरिकेड करी पुलिस मानक बाट ओगाळिछि। हरियाणा में हिसार में किसानों ने दिल्ली के नजदीक जो हिसार है वहां से इस मोर्चे पे दोनों मोर्चे पे ट्रैक्टर से आने की कोशिश कर रहे थे, शांतिपूर्वक आने की कोशिश कर रहे थे, किसी तरह का शोर शराबा नहीं, ट्रैफिक जाम कर रहे थे। इसके बावजूद भी पुलिस आंसू के गैस के गोले, महिला किसानों के साथ बर्बरता और तथा ट्रैक्टर पे उन्होंने हमला किए हैं। इसके बावजूद भी हम और जगह बताना चाह रहे हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य में भी हमारे समर्थन में, किसानों के समर्थन में, किसान के मांगों के समर्थन में जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ट्रैक्टर से मार्च निकाले जा रहे हैं। तो जो सरकार हमारे साथ बर्बरता कर रही है, जो हमारे साथ एनएसए लगाने की कोशिश कर रही है, जो किसान संगठनों के सभी समूचे जो नेतागण हैं उनके घरों पे सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस भेजे जा रहे हैं, हम उनसे थोड़ा सा भी भयभीत और डरे नहीं हैं। बल्कि हमारा संगठन और भी हमारी जो मांगे और भी राज्यों में बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल